हे गाइस, आज आप लोगों के सामने मेरे पार्लर में होने वाला आईब्रो थ्रेडिंग वीडियो लेकर आई हूँ। इनको आईब्रो और फोरहेड दोनों ही करवाना है, तो मैं पहले इनका आईब्रो का शेप कर लेती हूँ, उसके बाद फोरहेड करूँगी। आईब्रो करने के लिए पहले टेलकम पाउडर लगा लिया। पहले इनका राइट साइड का आईब्रो बनाऊंगी, तो पहले आईब्रो का जो एक्स्ट्रा हेयर है वो सीजर से कट करना है। इससे क्या होता है, आईब्रो का शेप समझ में आ जाता है। अभी धागे से पहले आईब्रो का ऊपर का शेप बनाऊंगी। आईब्रो का ऊपर का शेप हो गया, अभी आईब्रो के नीचे शेप देना है। तो नीचे शेप देने के लिए थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। आईब्रो को अच्छी तरह से स्ट्रेच करा के फिर आगे से धीरे धीरे जितना पतला या मोटा रखना है उसके हिसाब से एक गाइडलाइन बना लेना है। उसी गाइडलाइन के हिसाब से आईब्रो बनाना है। राइट आईब्रो का शेप कंप्लीट हो गया। अभी दोनों आईब्रो के बीच जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो सब भी क्लीन कर लेना है। लेफ्ट आईब्रो को बनाने के लिए भी पहले राइट आईब्रो के बराबर शेप में लेफ्ट आईब्रो का एक्स्ट्रा हेयर कट करना है। राइट आईब्रो बनाने के बाद लेफ्ट आईब्रो बनाना थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी दोनों आईब्रो के शेप में गड़बड़ हो जाता है। एक आईब्रो पतला और एक आईब्रो मोटा ऐसा भी हो जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से क्लाइंट के ऊपर काम करना पड़ता है। तो बातें करते करते इधर लेफ्ट आईब्रो का ऊपर क्लीन हो गया। फिर से बोल रही हूँ कि नीचे शेप देने के लिए थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है।
दोनों आईब्रो कंप्लीट हो गया। अभी इनका फोरहेड क्लीन करना है, तो पहले टेलकम पाउडर लगाना है, उसके बाद फोरहेड क्लीन करने के लिए भी राइट साइड क्लीन करने के लिए राइट साइड में खड़े होकर करना पड़ता है, और लेफ्ट साइड करने के लिए लेफ्ट साइड में खड़े होकर करना पड़ता है। आईब्रो और फोरहेड क्लीन करने से क्या होता है, फेस थोड़ा क्लीन लगता है, अच्छा लगता है देखने में। अभी देखो इनका आईब्रो और फोरहेड कंप्लीट हो गया। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और जो लोग मैं अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय।